मुताबिक अभी खिताब के लिए मैं दावत देने वाला हूँ। मोहतरम जनाब फाजले नौजवान मौलाना हाफिज अब्दुर रऊफ रब्बानी साहिब, मैं उनको दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में खिताब करवाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع ومشفع وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال। अजीज दोस्तों, बुजुर्गो भाइयों, तुसाहबाब, मुल्क पाकिस्तान दे बड़े मारूफ कुर्राए इकराम दियाँ तिलावतां अल्हम्दुलिल्लाह समात कर रहे हो। मेरे उस्ताद, मेरे मुशफिक उस्ताद उल उलमा फजीलतुश शेख हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मदनी हफीज़ाहुल्लाह, उन्हां दा हुक्म मैं तुसाहबाब दे सामने कुछ बातां कुरान पाक दी अजमत शान दे हवाले नाल करना चाहना। दुआ करो कि अल्लाह ताला सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमा दे। दुनिया अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात नू पैदा फरमाया है। इन्हां तमाम मखलूकात दे अंदरों अगर सब तो आला अरफा कोई मखलूक बनाइए, बनी आदम इंसान नू पैदा फरमाया है। जिस तरह इंसान दी अजमत आला है, अल्लाह ताला ने इस इंसान दे हिस्से अंदर एक बड़ी अजीम किताब नू नाजल फरमाया है, जिसका नाम अल्लाह पाक ने कुरान अंदर फुरकान भी किया है, कुरान भी है, कि जिस अजीम किताब की तिलावत करना, तिलावत समात करना एक हरफ दे बदले रब 10 नेकियां अता कर देता है। मैं बड़े थोड़े टाइम अंदर इंशाअल्लाह उल अजीज चंद कीमती बातां तुसा हबाब दी जेरे नजर करना चाहना। अल्लाह ताला सुन सुना के मेरे समेत अमल करन दी तौफीक अता फरमा दे। कुरान दी बड़ी अजमत है, बड़ा मकाम है। कुरान ने पाक अल्लाह ताला ने मेरे तोड़े पीरो मुर्शिद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाजल फरमाया है। जिस तरह इमाम में कायनात अली सलातो व सलाम दी जाते पाक पूरी कायनात तो आला अरफ है, इस तरह अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते जो किताब कुरान नादल फरमाई, वो कुरान भी सब किताबा तो आला है। और एक कुरान उतारन का मकसद क्या है? कुरान नु अल्लाह पाक ने नादल फरमाया, मकसद क्या है? आओ मैं अल्लाह का कुरान पढ़ना चाहना। और अल्लाह पाक ने अपने कुरान अंदर ऐलान फरमाया है, मौला फरमांदे ने तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल-आलमीन नज़ीरा। ऐ दुनिया कायनात दे लोगो, तवज्जो मोहब्बत करे आजे। ऐ दुनिया अंदर ले लो नहार गुजारने वालो, बाबरकत अल्लाह पाक दी जाते जिस मालिक कायनात ने इस फुरकानो कुरानो आमीना दे लाल दे सीना पाक ते नाजल फरमाया। अल्लाह कुरान नाजल करन दा मकसद क्या है? फरमाया रब्बे कायनात ने अपने कुरान अंदर महबूबा लियकूना लिल आलम
العالمین نذیر سونے اے قرآن پڑھ پڑھ کے اپنی امت نو اللہ دے عذاباں تو ڈراؤ اے قرآن پڑھ پڑھ کے اپنی امت نو جنت دے رائے پاؤ محبوب سونے اے قرآن دیاں تلاوتاں کر کر کے جو لوگ شرک دی دل دل اندر گوتے پہ کھاندے نے اے شرک تو نکالے آ جائے بدعات تو نکالے آ جائے انہاں دے سینیاں تے اللہ پاک دی عظیم کتاب نو بٹھایا جائے حضرات قرآن کنی عظمت والی کتاب ہے توجہ کرے آجے میں ایک لمحہ بھی تہاڈا ضائع نہیں کرنا چاہندا امام کائنات علیہ السلام نے ابن حبان اندر فرمایا آقا فرماندے نے القرآن شافع و مشفع اے دنیا کائنات دے لوگو قرآن پڑھیا کرو قرآن قیامت والے دن سفارش کرے گا اور اللہ ذوالجلال قرآن دی سفارش قبول کر لے گا اور دوسری حدیث مسلم دے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ذرا محبت دے نال ثواب دی نیت نال درود پڑھو غلامان مصطفیٰ دا استماع ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ اے میری امت دے لوگو قرآن پڑھیا کرو قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ اپنے بچیاں دے سینے اندر قرآن محفوظ کرو فانه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ اے میری امت دے لوگو قرآن نال پیار پالو قرآن نال یاریاں لالو اے قیامت والے دن قرآن اپنے پڑھن والے دی سفارش کرے گا جدو قرآن سفارش کرے گا اللہ قرآن دی سفارش قبول کر کے پڑھن والے نو جنت دے داخلے عطا کر دے گا لوگو اینی عظمت والی کتاب ہے اے پورے لاہور دے اندر غلامان مصطفیٰ اے قرآن دیاں تلاوتاں سنوا سے جمانے مبارک باد دے مستحق کو اے قرآن کنی عظمت والی کتاب ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کرا حرف من کتاب اللہ اے دنیا کائنات دے لوگو جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دے اللہ ایک حرف دے بدلے دس نیکیاں عطا کر دیندا ہے اے ویرو اے قرآن نال پیار پالو اپنے گھراں دے اندر اپنے بچیاں نو اپنی اولاد نو قرآن پڑھاؤ اے قرآن دی وجہ تو عزتاں ملدیاں نے قرآن دی وجہ تو شاناں ملدیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ دنیا دے لوگو قرآن پڑھیا کرو میری امت دے اندرو بہترین لوگ ویکھنے نے وی آئی پی لوگ ویکھنے نے عظمت شان والے لوگ دیکھنے نے انہاں نو ویکھ لو جڑے قرآن پڑھ دے نے قرآن پڑھان دے نے حضرات کنی عظمت والی کتاب ہے تے میرے شیخ القرآن کدی پڑھیا کر دے سن تے اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرو دل اندر سکون آ جاندا ہے انداز کتنا پیارا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لا آیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار قرآن پڑھے کر دینے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما
नाल कुरान पढ़ना ते नाल मुहब्बत नाल कहना नाल प्यार दे कोल बैठान मैनू आखन पी कौसर मैं पिलान वाला नाल प्यार दे कोल बैठान मैनू आखन पी कौसर मैं पिलान वाला ते बुझ गई ठंड पई विच सीने मुल पे कुरान सुनान वाला ते मुहब्बत अंदर क्या कर देने जनेया आमीना ने मन्या मोमीना ने आवाज आस्ता जरा यार जनेया आमीना ने मन्या मोमीना ने कायनात नु सुखदा सा आया जनेया आमीना ने मन्या मोमीना ने कायनात नु सुखदा सा आया जग चमकिया सूरज दी रोशनी थी पर दिल दे अन्या नजर नारा आया कई भजन पै दौलता शौक कईयां कुर्सियां ते बैन दा चा आया कई भजन पै दौलतां शौकतां ते कईयां कुर्सियां ते बैन दा चा आया हुसैन रीस नी तेरे मुकद्दरां दी तेरी वंड अहमद मुजतबा आया ते नाल कहना हुसैन रज रज वेख रसूल सोना सुभान अल्लाह हुसैन रज रज वेख रसूल सोना नाले पढ़ सुभान बनान वाला कैसी अजमत वाली किताब और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्लिम शरीफ दे अंदर आका फरमांदे ने अल माहिरु बिल कुरआन मा सफरतिल किराम मिंबररा ए मेरी उम्मत दे लोगो जेड़ा बंदा कुरान दा माहिर है कुरान नु अच्छी आवाज नाल पढ़न वाला कुरान नु तजवीद नाल पढ़ने वाला साडे पूरे पाकिस्तान दे नहीं बल्कि पूरे मुल्के पाकिस्तान अंदर जिन्ना दे शागिर्द मौजूद ने उस्ताद उलमा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अदरीस आसिम हफीदाउल्लाह जलवागर ने तशरीफ फरमाने अल्लाह उस्तादा दे इल्मो अमल अंदर अल्लाह पाक सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमा दे। देखो ना उम्र पढ़न पढ़ाने च ही गुजर गई किस्मत दियां बातां आकाली सलाम फरमांदे ने अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किराम बररा ओ मेरी उम्मत दे लोगो जिहड़ा कुरान दा माहिर है मतलब क्या है कि कुरान नु सोहनी आवाज नाल पढ़दा है कुरान नु किरत नाल पढ़दा है अच्छी आवाज नाल पढ़दा है। फरमाया कियामत दा दिन होएगा जिन्ना फरिश्तियां दी अल्लाह पाक दे अरश दे करीब ड्यूटी लगी ना अल्लाह दे मुकर्रब फरिश्ते ने सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कियामत वाले दिन अच्छी आवाज नाल पढ़न वाले कारी नूं अल्लाह उन्हां मुकर्रब फरिश्तियां दा साथ नसीब फरमा देगा क्योंकि तुहाडा दिल करदा ना साडियां औलादां नूं उन्हां दा साथ मिल जाए ते साथ फिर उन्दा हल लेवे कि अपनियां औलादां नूं कुरान पढ़ाओ कुरान दे हाफिज ते कारी बनाओ और आगे पूरी हदीस आका फरमांदे ने अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किराम मिंबररा कुरान दा माहिर कयामत वाले दिन मुकर्रब फरिश्तियां दा साथ पा जाएगा। और अगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा बंदा जड़ा कुरान पढ़ना चाहता है उनकी जबान दे अंदरों सही अल्फाज अदा नहीं होंदे अटक अटक के कुरान पढ़ता है बाबा हो गया है ज़ईफुल उमर हो गया है कुरान पढ़ना चाहता है बुजुर्गो तवज्जो करो मुहब्बत करो कुरान ते पढ़ना चाहता है कुरान दियां तिलावतां ते करना चाहता है ज़बान मोटी हो गई सही अल्फाज अदा नहीं होंदे वाहुआ अलैह शानुन लहू अजरान आका फरमांदे ने आम बंदा एक हरफ पढ़ेगा अल्लाह दस नेकियां अता कर देवेगा बाबा एक हरफ पढ़ेगा अल्लाह भी नेकियां अता कर देगा। अल्लाह हुण बाबे तुहाडे बहाने खत्म हो गए जिहड़े आंदे मौलवी जी जबान मोटी हो गई पढ़ो लाजमी पढ़ो जिवें पढ़िया जांदा डबल अजर है जिहड़ा अटक अटक के पढ़दा है। कुरान पढ़ो
और कितनी अजमत वाली किताब है मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैं हदीसा दे अंबार लगाना चाहना, अद्धा घंटा मिले है, मैं चाहना कुरान पढ़ा हदीस पढ़ा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने सही उल बुखारी दे अंदर रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नु हदीस दे रावी। तवज्जो तवज्जो तुहाडा ईमान ताजा, यार मेरे वाल वेखो, मेरे वाल वेख्या संग आउंदी, मेरे वाल वेखो खुदारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला हदीस दे रावी, जग्गा दे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने, ऐ मेरी उम्मत दे लोगो, अल्लाह पाक कोई भी चीज इन्नी ध्यान नाल नहीं सुन दे, इन्नी तवज्जो नाल नहीं सुन दे, जिन्नी तवज्जो दे नाल अरशां वाला रब, जिन्नी तवज्जो दे अरशां वाला रब अपने हबीब दी ज़बान अंदरों कुरान दी तिलावत सुनदा है। अल्लाह अल्लाह, हजरात अरशां वाला रब भी कुरान सुनदा है। ओ मेरे वीरो, अज तुसी क्यों नहीं कुरान पढ़दे, क्यों नहीं सुनदे? ओ सुन ले तो गाफलावा, कैसा मुसलमान तू, ना पढ़दा कुरान ते ना पढ़दा नमाज तू, ओ तेरे जे ओ पापिया हाय दिल क्यों नी डोलदा, उड जाना पंछी जेड़ा विच तेरे बोलदा। ओ बंदे आ तू याद कर अल्लाह बेनियाज दी, हसर नु पुछ पहला होवेगी नमाज दी, ओथे रब बंदे आंदे, ओथे रब बंदे आंदे, जी अमलां नु तोलदा, उड जाना पंछी जेड़ा विच तेरे बोलदा। हजरात ऐ कुरान पढ़िया करो, कुरान मुस्लिम दे अंदर रवै ते मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद। पढ़ लो पढ़ लो, मैं एक तकरीर करके आया पहलो, तो सफर भी तो दूजी कर रहा, तो वेले बैठे तो ना थको, ये बेवफाई है। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने, ऐ मेरी उम्मत दे लोगो, मेरा कलमा पढ़ने वालो, दुनिया कायनात दे अंदर अपने लैलो नहार गुजारने वालो, आका फरमांदे ने ऐ कुरान पढ़िया करो, कुरान दियां तिलावतां करिया करो, कयामत वाले दिन कुरान सिफारिश करेगा। और अगली बात, अगली बात, जग्गा दे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम फरमांदे ने, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अकवाम व यदउ बिही आखरीन। ऐ कुरान पढ़न दी वजह तो अल्लाह ने बाद कौमां नूं उरूज दित्ता है, इज्जतां दित्तियां ने, शानां दित्तियां ने। मिसाल तुहाडे सामने उस्तादुल उलामा मौजूद ने, अल्लाह पाक ने दुनिया कायनात अंदर इज्जतां नाल माला माल फरमाया है। ऐ कुरान दियां बरकतां लाहौरियो, कुरान दियां बरकतां, आका फरमांदे ने कुरान पढ़न दी वजह तो अल्लाह ने बाज कौमां नूं इज्जतां अता कीतियां ने, कुरान नूं पसे पुडालन दी वजह तो अल्लाह ने बाज कौमां नूं जलील कर दिता है। और मुस्लिम दे अंदर आका फरमांदे ने, इकरा उल कुरान ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, आका फरमांदे ने मेरी उम्मत दे लोगो, अपने घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ, कब्रस्तान कुरान नहीं पढ़िया जांदा, घरां अंदर कुरान पढ़िया करो, और कब्रस्तान कुरान नहीं पढ़िया जाता। हदीस तो दो मसले अखज हुए, एक तो कब्रस्तान कुरान नहीं पढ़िया जाता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ, की मतलब? फरमाया अपने घर अंदर सूरह बाकरा पढ़ो, सोनिया फायदा की होएगा, आका अजर की मिलेगा। फरमाया जिस घर अंदर सूरह बाकरा पढ़ी जाए, वो पढ़ोगे ना इंशाल्लाह, इंदा फायदा भी सुन लो इंशाल्लाह, सी पढ़नी है। फरमाया जिस घर दे अंदर सूरह बाकरा पढ़ी जाए, तिलावत कीती जाए,
उस घर दे अंदर कदी भी शयातीन दाखल नहीं होंगे, उस घर दे अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उस घर दे अंदर जादू टूने नहीं चलणगे। लाहौरियो तुहाडे आ ज्यादा बीमारी है जी, जादू चल गया जी, फला हो गया। और मेरे वीरा जादू ना चले ते कट्टा होए, जिस घर दे अंदर मुसीकी चलदी होए, और जिस पाक पैगंबर दे गुलामा ने मुस्तफा दे घर अंदर तिलावत चलनी चाहिए सी, अज मुसीकी दी आवाज आ रही है, अज गाने दी आवाज आ रही है, बेहूदा गाने दी आवाज आंदियां ने। और वीरो जिस घर अंदर गाने चलदे होन, उस घर अंदर रहमत दे फरिश्ते नहीं आंदे, ते जिस घर अंदर कुरान दियां तिलावतां होन, जिस घर अंदर कुरान पढ़िया जाए, कुरान पढ़ाया जाए, आका फरमांदे ने रहमत दे फरिश्ते आंदे ने, बेबरकतियां खत्म होंदियां ने, लड़ाई झगड़े खत्म होंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा, ए कुरान नाल मुहब्बत करे आकर, ऐसी अजमत वाली किताब है। आखिरी हदीस ते मेरा सलाम, चूंकि माशाल्लाह बड़े बड़े कुर्राए इज़ाम मौजूद ने, ते मैं चूंकि माहौल बनया तिलावतां दा, बहरहाल मैं हिस्सा डालना चाहना। हदीस सुनो, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरान दियां बरकतां ने ते कुरान पढ़िया करो सवाब दी नीयत नाल, सुनिया करो सवाब दी नीयत नाल, एक एक हरफ दे बदले अल्लाह नेकियां अता करदा है। ते अपने घरां च कुरान पढ़ो, बच्चियां नू कुरान पढ़ाओ, बच्चियां नू कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़न पढ़ाण दी वजह तो अल्लाह कारोबार च भी बरकतां नसीब फरमांदा है। और जिहड़ी मैं हदीस सुनाना चाहना आखिर ते, इबन हिबान दे अंदर, मुस्नद अहमद दे अंदर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मैशर दे मैदान अंदर कुरान पढ़न वाला कुरान इंदा सिफारशी बन जाएगा। ते किवें, सुनो हदीस, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदाने मैशर बपा हो जाएगा। तवज्जो तवज्जो, आखिरी हदीस, मैं सलाम कर रहे आखिरी हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदाने मैशर होएगा, अज असी तैयारियां नहीं करते, गफलत दे अंदर लैलो नहार गुजार रहे हैं। हर बंदे की ख्वाहिश है बैंक बैलेंस जमा हो जाए, कोठियां मुरब्बे मिल जान, ओदा मनसब मिल जाए। मेरे वीरा, वो आखरत दे दिन दियां तैयारियां कर लै। आका फरमांदे ने मैशर मीदा इन्ना सख्त होएगा, एक दिन 50,000 साल दे बराबर होएगा, आसमान दा सूरज कमील ते आ जाएगा। लाहौरिया मरकज चुगताई दे अंदर आन वालिया, गुनेगार दियां बातां अपने दिलो दिमाग ते मुनक्कश करके लै जा, कदी पढ़िया कर, सोचिया कर, ए दुनिया आरजी। आका फरमांदे ने आसमान दा सूरज कमील ते आ जाएगा, नफसो नफसी दा आलम होएगा, आम बंदा ते आमे रब दे जलील उल कदरम भी आवी, नफसो नफसी दे आलम अंदर होणगे। वीराज मेरा तेरा दिल पत्थर हो गया, अज दुनिया अंदर अल्लाह ना करे किसे नू परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, उंदी परेशानी ते उंदी हेल्प करन वास्ते उंदे वालिदैन उंदे कम आंदे ने, भैन भाई उंदी मदद करदे ने, रिश्तेदार मदद करदे ने। ओ चलिया कदी सोचिया कर, मैदाने मैशर वाले दिन मां बाप अपनी औलाद नू भुल जाणगे, औलाद अपने मापियां नू भुला देवेगी। इन्ना सख्त दिन होएगा, इन्ना सख्त दिन होएगा। अल्लाह पाक दा कुरान ओ नक्शा बयान कर रहा है, वतजाउ कुल्लु जाति हमलिन हमलावा वतरन्ना ससुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अजाब अल्लाह ईद। इन्ना सख्त दिन होएगा, इन्ना सख्त दिन होएगा। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, ओ औरतां जिन्ना दे पेट अंदर हमल होंगे, ओ मेरी ये माए पैने पर्दे अंदर समात करने वाली है, आज अहद करके उठ इस मरकज दे अंदरों। अगर अल्लाह ने औलाद दीती है ते अपनी औलाद नो कुरान पाक दा हाफिज बना, कारी बना। आका फरमांदे ने, रब्बे
जुलजलाल दा कुरान ऐलान कर रहा है जिन्ना पेटा दे जिन्ना औरतां दे पेटा अंदर हमल होएगा इन्ना सख दिन होएगा इन्ना पुरफितन दिन होएगा ओ बीबियां अपने पेटा अंदर हमल जमीन ते सुट देनगियां अल्लाह मेरी तौबा यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी मापे औलादा नू भुल जाणगे औलादा अपने वालदैन नू भुल जाणगियां मापे औलादा तो छुपदे होणगे औलाद वालदैन तो छुपदी होएगी ए क्यों लुक रहे ने इस वजह तो छुप रहे ने औलाद इस वजह तो छुप रही है किते मापे मेरे कोल नेकी ना मंग लै लाहौरिया नेकी दी कदर कर कयामत वाले दिन एक एक नेकी दा मुल पै जाएगा ओ पैना नू छड़ दिता वा सकिया परावा ने छड़ दिता यार बेली दोस्त अशनावा ने सुट दिता जन दई बचावा जम दिया मावा ने पुत्र नू खबर कोई नहीं किते गई माईया चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नू आई आवा ओ कोल के कन सुन ले मेरी ये पैनानी पढ़ ले कुरान जे कर मर्तबा तू ले नानी इस जहान उते सदा नहीं ओ रह नानी अज कल मौत शायद सर उते आईया चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नो आईया ओ कोई नहीं जवारू बनदा जिंद नुमानी दा लगी ये प्यास कुट मिलदा नहीं पानी दा ओ सामने एक हौज नजरी आया हकानी दा सामने एक हौज नजरी आया हकानी दा पता नहीं ओ साकी कौसर कीमत की लाईया चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नू आईया हजरात मैं दस रहा वा इन्ना सख दिन होएगा कोई किसे दे कम नहीं आएगा वेखो ना दुनिया दे अंदर दुनिया दे अंदर यार मेरे वल तुहानू कोई संगा दी वेखन लगिया कोई आ जाए तुसी सारे उधर वेंदे हो इधर वेखो बयान करन वाल वेखो यार मैं तैयारी करके आया मेरे वास्ते बड़ी एहसास की बात है कि मैं अपने उस्ताद की मसलत ते बैठा वा तुसी जिहड़ा भी बंदा है इधर वेंदे इत्थे ही आना है उन्होंने तवज्जो करो जिहड़ी मैं गल कर रहा दिन कितना सख्त है इमाम में कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना सख दिन होएगा देखो ना दुनिया दे अंदर मैं ते तू कर बनाना होए कर बनाना होए हर बंदे दी ख्वाहिश होंदी है कर नक्शे दे मुताबक बनना चाहिदा है अच्छी टाइल लगनी चाहिदी है अच्छा लकड़ी दा कम होना चाहिदा है लोकेशन सोहनी होए दरवाजा सोहना होए और चले हो दुनिया दे आरजी घरां वास्ते मेहनत कर दे हो कदी अपनी कब्र वाले घर दी भी तैयारी करया कर और जिस कब्र दे अंदर कुरान तेरे कम आना कुरान कम आना है कब्र मेरा तेरा टिकाना है हर बंदे ने कब्र अंदर लुटाया जाना है ते जड़ी गल मैं करना चाहना जड़ी गल समझाना चाहना ओ तेरा बंदे आ कब्र टिकाना तू मुड़ के कोई नहीं आना ये अशार मेरे पूरी दुनिया अंदर चल रहे ने यूट्यूब दे अंदर और समझो मैं कह की रहा ओ तेरा बंदे आ कब्र टिकाना तू मुड़ के कोई नहीं आना है तू राहगीर मुसाफिर ओ टुर वंजनाई एक दिन आखिर ओ तेनू हथिए दफनाना
तेनू हथिए दफनाना, तू मुड़ के कोई नहीं आना, ओ तेरा बंदे आ कबर टिकाना, तू मुड़ के कोई नहीं आना, ओ तेनू तेरे अपन वैसल, ओ तेरी वंज के कबर बनैसल, तेनू छेतीए दफनाना, तेनू छेतीए दफनाना, तू मुड़ के कोई नहीं आना, मेरिया गल्ला याद करे सो, जद कदी महफल विच बैसो, तेनू कहंदा रब्बानी नू माना, तू मुड़ के कोई नहीं आना। इना सकदी ने ते जड़ी गल मैं दसनी है, सौ हथ रस्सा गंढ सिरे ते सारिया दा मालिक अल्लाह है, सौ हथ रस्सा गंढ सिरे ते सारिया दा राजिक, बोलो बोलो सारिया दा राजिक अल्लाह है। आका फरमांदे ने इना सख्त दिन जिथे कोई किसे दे काम नहीं आना, ते कुराने पाक नू अल्लाह सोहनी शकल अता कर देगा, सोहनी सूरत अता कर देगा, सोहनी शकल ते सोहनी सूरत अता कर देगा। नौजवान सोहनी सूरत वाला ते जिहड़ा दुनिया अंदर कुरान पढ़दा रहना उहदे कोल आ जाएगा, आके कहेगा हल तारीफू नहीं, क्या तू मैनू जानना है मैं कौन हां, ते कुरान पढ़न वाला आखेगा ला मैं नहीं जानता तू कौन है। ते ए जिहड़ा सोहनी शकल वाला है ना, ते ज़बाने हाल अंदरों कहेगा आना साहिब कल कुरआन, आना साहिब कल कुरआन, ओ दुनिया दे अंदर रातां नू उठ उठ के कयाम अंदर कुरान पढ़वा लिया, और रमजान मुबारक दे अंदर तरावी दे अंदर कुरान पढ़वा लिया, कुरान सुनवा लिया, अपने बच्चियां नू कुरान नाल अरास्ता परास्ता करवा लिया, कुरान नाल मुहब्बत करन वाले आ, कुरान नाल प्यार करन वाले आ। आना साहिब कल कुरआन, मैं कुरआन आ, और उन्नी देर तक तेनू तनहा नहीं छोड़ांगा, जब तक अल्लाह दे अग्गे सिफारशा ना करा, ते रब कोलो जन्नत ना लै देआं। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरात कुरान दियां बड़ियां बरकतां, ते मेरी गल मुक गई, तबारक लजी नज़ल फुरकान अला ليكون للعالمين نذيرا। कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है, कुरान पढ़ो, कुरान की वजह तो घर अंदर बरकत नाजिल होती है, कुरान की वजह तो इज्जत मिलदियां ने, कुरान कबर अंदर साथी बनेगा, मैदाने महशर वाले दिन साथी बनेगा। मेरे भाइयो अज दी महफिल हुस्नो किरात करवान का मकसद एवे, मेरे तुहाडे दिल अंदर कुरान पाक की इज्जत मुहब्बत एहतराम आ जाए। अल्लाह सानू सारियां नू कुरान पढ़न दी, कुरान दे अहकामात ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।